प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की है। 6 दिनों की यह यात्रा आज से प्रारंभ हुई। गिरौदपुरी से निकली इस न्याय यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पहले पड़ाव में रुककर यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा को सभी स्थानों पर अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने इस यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होने की बात भी कही। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का 27 तारीख शुभारंभ हुई और 6-6.5 किलोमीटर आने के बाद पहला पड़ाव जहां दिन का भोजन सभी कार्यकर्ता सभी ग्रामीणों के साथ मलूपर और इसके बाद अगला हम लोग नीचे चलना है। ये पहला पड़ाव हम लोगों ने देखा, जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में, गांव में, ग्रामीणों में। इस यात्रा को समर्थन करने के लिए हर चौक चौराहे पर ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से पहले कही मुझे लगता है कि ये 6 दिन का यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई क्रांति लाएगा और जिस उद्देश्य साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा आम जनता तक हम लोग गंगा के नाम खाते पर पहुँचा पाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, बधाई और शुभकामनाएं सभी हमारे प्रदेश। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये न्याय यात्रा 6 दिनों बाद राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जहां एक सभा के साथ इसका समापन किया जाएगा। कांग्रेस की इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में हो रहे घटनाक्रमों को उजागर करना और सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदेशवासियों से अवगत कराना है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार और वर्तमान की भाजपा सरकार की तुलना भी की। उन्होंने बताया कि अभी जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं, वह कांग्रेस के शासन में कभी नहीं घटी। कि हमारी सरकार में इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं हुई। राजधानी असुरक्षित है, कवर्धा गृह मंत्री के जिले रोज जल रही है, रोज घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं इस सरकार में। इसलिए ये सरकार सिर्फ आंकड़े की बात करती है, घटना रोकने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में कलेक्टर SP का कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ इनके नियंत्रण में नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे चल रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश TV।